गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माइसेल्फ संदीप, टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन बैचेस में इतना व्यस्त होने के कारण आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी। लेकिन ये चैप्टर जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमोटेशन, कम्युनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत ही कम मौका मिलता है आपको इस तरीके से चैप्टर पढ़ने का। और पुलिस में 3 नंबर के डन है। हर पेपर में आप उठा के देखोगे, जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे, तो हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कन्फर्म है। तो परमोटेशन, कम्युनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, संचय और संभावना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमोटेशन क्या होता है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया करते हैं वो पुलिस में स्पेशली सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे, परमोटेशन भी पढ़ेंगे, क्या पता कि इस बार के पेपर में परमोटेशन भी पूछ लिया जाए, कॉम्बिनेशन भी पूछ लिया जाए, और प्रोबेबिलिटी तो हर बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि परमोटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है और प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, 3 चीज़ें होती हैं। परमोटेशन का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका क्रमचय, और इसका हिंदी मतलब होता है संचय, और इसका मतलब होता है संभावना। इसका हिंदी मतलब होता है संभावना। क्रमचय का मतलब इतनी बात, जैसे इसके नाम से ही पता है, क्रमचय, जहां पास किसी भी चीज के क्रम का ध्यान रखा जाता है उसी को क्रमचय कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैं यहां पास लिख दूं टारगेट, यहां पास लिख दिया टारगेट। अब आपसे पूछेगा कि हम टारगेट को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जहां पास अरेंजमेंट की बात है। देखो, परमोटेशन का मतलब ही होता है, परमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसको आप कितने तरीके से सजा सकते हो। जहां पास किसी वस्तु को सजाने की बात आ जाए, वहां पास समझ जाना वो क्या होता है, परमोटेशन लगता है। वहीं पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, संचय। संचय का मतलब होता है, देखो, सिलेक्शन से मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना पड़ता है, जब जैसे समझो चुनने की बात आती है। जैसे मान लो हमारे पास 3 मेल हैं प्लस 4 फीमेल हैं, 4 महिलाएं हैं हमारे पास और 4 पुरुष हैं। इसमें से मान लो हमें 2 लोगों की टीम बनानी है, 2 लोगों की टीम बनानी है, कोई भी काम करवाने के लिए 2 लोगों की टीम बनानी है। तो देखो, मेरी मर्जी है, इसमें सिलेक्शन की बात आ जाती है। मेरी मर्जी है कि मैं 2 मेल ही ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है 2 फीमेल ही ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है 1 मेल और 1 फीमेल ले सकता हूँ। देखो, यहाँ सिलेक्शन की बात है, ये मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है कि हम किस तरीके से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात किस तरीके से हम सिलेक्ट करके एक टीम बना सकते हैं। यही पास परमोटेशन का मतलब होता है, कि परमोटेशन का मतलब ये है अरेंजमेंट करना, उन्हें कितने तरीके से हम सजा सकते हैं, ये परमोटेशन होता है। सिलेक्शन करना कॉम्बिनेशन कहलाता है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब ये होता है, जैसे समझो आपने कभी देखा होगा कि ताश के गड्डी वाले क्वेश्चन, सिक्के वाले क्वेश्चन, 1 सिक्के को उछाला जाता है तो क्या संभावना है कि हेड आएगा, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो क्या संभावना है कि दोनों पे हेड आएगा। तो जब संभावना की बात आती है तो वहां पास हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ती में से 1 पत्ता खींचा जाता है तो क्या इसकी संभावना है कि वो 1 का होगा। ये सारी संभावनाएं, जब संभावना का नाम आ जाता है तो वहां पास प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो ये 2 चैप्टर देखो सेम है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन 1 चैप्टर है, जबकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो पहले हम पढ़ेंगे परमोटेशन, इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, इसके बाद पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आज मैं स्टार्ट कर देता हूं परमोटेशन, कॉम्बिनेशन आज खत्म कर देता हूं। इसके बाद का चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके कम से कम 2-3 वीडियो आएंगे, आपको सारे वीडियो एक बार देखना है ताकि आपसे 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाए। देखो, एक बार इस चैप्टर को जरूर देख के जाना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई डिस्काउंट, ये सब देख के जाते हैं। यही चैप्टर है जो आपके नंबर को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं परमोटेशन। हमने पहले ही बता दिया परमोटेशन का मतलब है क्रमचय। जहां पास अरेंजमेंट की बात होती है, जहां पास इनको सजाने की बात होती है, वहां हम परमोटेशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हमें बात कर दिया जाए, तो मैं आपसे एक एग्जांपल क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, एक
प्रमोटेशन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हालांकि बिना फॉर्मूले के भी हम काम कर सकते हैं, जस्ट समझना। एक फॉर्मूला होता है NPR। NPR का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पास एक नया वर्ड आया है फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल क्या होता है इसकी मैं बात करता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं यहां n क्या है, p क्या है, r क्या है। n का मतलब ये होता है मैक्सिमम क्वांटिटी, आपके पास उपलब्ध कितनी है मैक्सिमम क्वांटिटी, और r का मतलब होता है कि कितना रिक्वायरमेंट है। R का मतलब है कि हमें चाहिए कितना, N का मतलब है मैक्सिमम क्वांटिटी, R का मतलब है कितने हमें चाहिए, कितना रिक्वायर है, और P का मतलब होता है परमुटेशन होता है, इसका मतलब और कुछ नहीं होता, परमुटेशन होता है। अब बात समझो ये मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं, पहले फैक्टोरियल का मतलब समझ लेता हूं। जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि बताओ 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, इसका हिंदी नाम होता है क्रम गुणित। समझो 3 के फैक्टोरियल का क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से इसे गुणा करते जाना है। तो जैसे 3 के फैक्टोरियल की मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, 6। जैसे मैं 4 के फैक्टोरियल की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24। जैसे मैं 5 के फैक्टोरियल की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5×20 कितना हो जाएगा, ये 120। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितने का फैक्टोरियल पूछा जाएगा उतना आपको क्रम गुणित गुणा करते हुए एक तक चले जाना है, बस इतना समझना है। अभी ज्यादा फैक्टोरियल के बारे में हमें पीएचडी नहीं करना है, जितना हमें काम की चीजें उतनी ही चीजें आपको बताएंगे। अच्छा, ये मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्वांटिटी क्या है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 1, 2, 3 से, जो परमुटेशन में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मेनली दो टाइप से क्वेश्चन बना करते हैं। एक बनता है अंकों पे आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा कि आपको बड़ी सी संख्या दे देता है 1, 2, 3, 4, 5, आप बताओ इसमें से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या कि इसमें बोला जाएगा कि आप बताओ 999 से लेके 10,000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, आप धीरे धीरे धैर्य बना के आप देखते बस जाइए, और यहां से 2-3 नंबर आने तय हैं, तो आप पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। चलो, जैसे आपसे क्वेश्चन हमने ये पूछा कि 1, 2, 3 का यूज करके आप बताओ कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब की कंडीशन है। जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम बताएंगे, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो इसका मतलब समझना, 1, 2, 3 से बताओ कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अगर मैं वैसे देखने की बात करूं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 1, 2, 3 का यूज करके आप बताओ 3 अंकों की या 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आपसे 2 अंकों की भी पूछ सकता है, आपसे 3 अंकों की भी पूछ सकता है। तो मैं पहले देखता हूं 1, 2, 3 का यूज करके 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संख्या बन सकती है। तो आप अगर मन में लगाने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे ऐसा कर सकते हैं 1, 2, 12 भी बन सकती है, इसके बाद कितनी बन सकती है 1, 3, 13 भी बन सकता है, इसके बाद आप बोलोगे 1, 1 नहीं बन सकता। अभी हमने केवल इतना लिखा है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो इसका मतलब 1, 1 अभी नहीं लाएंगे, अभी आएंगे धीरे धीरे कि जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तब कैसे करेंगे। इसके बाद आते हैं 2, 1, 21 भी बन सकता है, 2, 3, 23 भी बन सकता है, इसके बाद आते हैं तो कितना बन जाएगा 3, 1, 31 भी बन सकता है, 3, 2, 32 भी बन सकता है, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब की कंडीशन में बता रहा हूं। तो आप बोलोगे कुल मिला के 6 संख्याएं बन सकती हैं, 1, 12 बन सकता है, 13 बन सकता है, 21, 23, 31 और 32, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बन सकती इन संख्याओं का यूज करके। हाँ बन सकती है, 11 बन सकती थी, 22 बन सकती थी, 33 बन सकती थी, लेकिन अभी हमने हेडिंग बनाया है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब की कंडीशन हमने बताई है क्या होगी। अब चलो आगे चलते हैं, इसी चीज को जब हम फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी क्या हो जाएगी। जैसे आपके पास रिसोर्सेज कितना उपलब्ध है, तो आप बोलोगे हमारे पास 3 रिसोर्सेज उपलब्ध है, अर्थात कह सकते हो हमारे पास जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 है। तो आप बोलोगे मैं ऐसा काम करूंगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी 3, पी रिक्वायरमेंट कितनी की है, 2 अंकों की संख्या बनानी है, अगर 2 अंकों की संख्या बनानी है तो आप लिखोगे 3P2, तो आप लिखोगे यहां पास एन का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल बटे
एन माइनस टू, मतलब एन माइनस आर का मतलब तीन माइनस दो, तो लिखोगे तीन माइनस दो का फैक्टोरियल हो जाएगा। आप बताओ यहां से देखोगे तीन के फैक्टोरियल का मतलब होता है तीन गुणे दो गुणे एक, बट तीन माइनस दो मतलब एक का फैक्टोरियल मतलब एक होता है, एक से एक कट गया, तीन दूनी कितना हो गया छह। अर्थात मैं कह सकता हूं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, छह संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन तीन संख्याओं का यूज करके। या तो आप इस तरीके से कर लो या तो इस तरीके से, इन दोनों तरीके से आपको करना नहीं है। अभी तो हमने ये बताया कि फार्मूले का यूज करके आप कैसे करोगे। ये फार्मूला ही कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आप बताओ एनपीआर बराबर क्या होगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, जहां एन क्या होता है मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, जबकि आर क्या होता है तो रिक्वायरमेंट कितने की है, कितने की हमें चाहत है वो आप लिखोगे। ठीक है, इसके बाद चलो आ जाते हैं। तो मेरी बात समझो, इसे एक दूसरी मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब की मैं बात करता हूं। आपको इसी तरीके से पेपर में करना है, जब जो तरीका अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो, दो अंकों की संख्या बनानी है तो पहले आप ऐसे दो डिब्बे बना लो, एक डिब्बा ये हो गया और एक डिब्बा ये हो गया। अब दो अंकों की संख्या बनानी है तो आप गौर से सुनना, अगर मैं इस डिब्बे की बात करता हूं, इस डिब्बे में बताओ दो अंकों की संख्या बनानी है, इस डिब्बे में कौन कौन संख्या आ सकती है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। अर्थात कहने का मतलब कितने तरीके से इस डिब्बे को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, अर्थात इस डिब्बे को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो आप बोलोगे एक रख देंगे, या तो दो रख देंगे, या तो तीन रख देंगे, मतलब इस डिब्बे को हमारे पास ऑफर है, मैं तीन तरीके से सजा सकता हूं। अब एक संख्या यहां आ चुकी है तो वो यहां नहीं आएगी, क्योंकि बोला है अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है अभी। तो आप बोलोगे एक संख्या आ चुकी है तो अब कितनी संख्या बची है, दो। अर्थात इस डिब्बे को मैं कितने तरीके सजा सकता हूं, यहां दो तरीके सजा सकता हूं। जो संख्या यहां आ गई है यहां नहीं आ सकती, तो आप बताओ कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो आप बोलोगे छह संख्याएं बन सकती है। यही सवाल का आंसर था, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे और आगे आते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता है, आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ एक दो तीन चार पांच, आप बताओ एक दो तीन चार पांच का यूज करके तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अभी मैंने केवल एक बात सीखी है कि जो अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो कैसे करोगे। देखो, इसे आप फार्मूले से भी कर सकते हो, एनपीआर वाले फार्मूले से, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ लो ये मौका बहुत कम मिलता है कि आप ऐसे चैप्टर पढ़ पाओ और पूरा सिलेबस पढ़ पाओ इस चैप्टर का। तो हम पूरा डालेंगे, तीन चार वीडियो आएंगे, जितने भी हम वीडियो डालेंगे वो सब वीडियो आप देखने का प्रयास करना। यहाँ से तीन नंबर पक्के हैं आपके, और तीन नंबर ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन के कगार में लाके आपको उधर भी फेंक सकते हैं और इधर भी फेंक सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये तीन नंबर लाने हैं, अगर तो आपको यही से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, तीन अंकों की संख्या बनानी है, कितने अंकों का यूज करना, एक दो तीन चार और पांच। और तीन अंकों की संख्या जब बनानी है तो सबसे पहले आप तीन डिब्बे बना लो ऐसे करके, एक दो और तीन। अब देखो, पांच संख्याओं का यूज करना है, पांच संख्याओं का यूज करने का मतलब एक दो तीन चार पांच। तो बताओ जब मैं पहले डिब्बे को सजाने की बात करूंगा, इस वाले डिब्बे को सजाने की बात करोगे, तो हम बोलेंगे इस डिब्बे को मैं पांच तरीके से सजा सकता हूं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे इस डिब्बे को मैं पांच तरीके से अरेंज कर सकता हूं। कैसे, या तो इसमें एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है। अर्थात पहले डिब्बे को मैं पांच तरीके से सजा सकता हूं। तो यहां बताओ इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से, पांच। अब एक संख्या यहां आ चुकी है, जो संख्या यहां आ चुकी है वो संख्या यहां नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो संख्या यहां आ चुकी है वो संख्या यहां नहीं आएगी। तो एक संख्या यहां आ चुकी है, कुल हमारे पास पांच ही संख्याएं थी, तो बताओ यहां कितनी आएंगी,
चार, एक संख्या और यहाँ आ चुकी, तो अब हमारे पास सजाने के लिए इस डिब्बे को कितने कितनी संख्या बची है, तीन, तो यहाँ लिखोगे गुणे तीन, पांच चौको बीस तीन साठ, अर्थात कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कुल मिला के साठ संख्याएं बन सकती हैं, और यही सवाल का आंसर था। अब देखो साठ संख्याएं बना के दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाएगा कि बताओ वो साठ संख्याएं कौन कौन सी थी, केवल ये पूछेगा कि बताओ कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, केवल इतनी चीजें पूछेगा। तो आपको यही तरीका लगाना है, या तो फॉर्मूला लगाओगे तो भी आप कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं तो आप बोलते हैं ऐसा कि हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, पांच पी, और हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी की है, तो आप बोलोगे तीन की, तीन अंकों की संख्या बनानी थी, यहां से कितना हो जाता, पांच का फैक्टोरियल बटे पांच माइनस तीन का फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला वही होता है n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे पांच के फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक बटे, ये कितना हो जाएगा, दो का फैक्टोरियल का मतलब दो गुणे एक, जब इसे काटोगे दो से एक, दो से एक कट ही जाएगा, पांचों को बीस तीन साठ आ जाएगा, बस ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, बात समझ आई। या तो आप फॉर्मूले से कर लो या तो इससे कर लो, हम तो कहते हैं फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, आप ये मेथड अपनाया करो सबसे बेस्ट है, अगर इससे करना चाहते हो इससे भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप जब इसे करने की कोशिश करोगे, देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये तरीका आप अपनाना ही चाहते हो तो 5p3 की जब वैल्यू निकालनी है तो इतनी महाभारत मत किया करो, केवल इतनी बातें आप किया करो कि लिखा है 5p3, तो 5 को केवल तीन बार पीछे खिसकाना है, 5 को तीन बार पीछे खिसकाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3, यही क्या हो जाएगा 5p3 की वैल्यू, 5 को 20 दें 60, ये सबसे आसान तरीका है ये सॉल्व करने का। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ 10p3 बताओ कितना होगा, तो आप या तो फॉर्मूला लगा के आप चेक कर लो, या तो ऐसे सोचो 10p3 का मतलब 10 को पीछे हमें तीन बार खिसकाना है, तो कितना हो जाएगा 10 × 9 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 720, अर्थात मैं कह सकता हूं 10p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720। चलो अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 का यूज करके चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसमें दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब थोड़ा सा अंकों की मैं पुनरावृत्ति में भी आ जाता हूं, चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, पहला क्वेश्चन है जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, बी नंबर ऑप्शन है जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी 1 2 3 4 5 6 से यूज करके चार अंकों की हमें संख्याएं बनानी है, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात जो अंक एक बार आ चुका है वो दोबारा ना आए। दूसरा क्वेश्चन है जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तब कितने बनेंगे, तो ध्यान से सुनना, पहला मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ए नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चार अंकों की संख्या बनानी है, मैं चार डिब्बा बना लेता हूँ, चार डिब्बे बना लेता हूँ, एक डिब्बा ये हो गया, दो डिब्बा ये हो गया, तीन डिब्बा ये हो गया, चार डिब्बा ये हो गया। अब जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, इसका मतलब है कि जो अंक एक डिब्बे में आ चुका है वो दूसरे डिब्बे में नहीं आएगा, पहले वाले को, तो आप बोलोगे हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, छह, इसका मतलब मैं पहले डिब्बे को छह तरीके से सजा सकता हूं, अर्थात पहले डिब्बे को अगर अरेंज करने की बात करता हूं छह तरीके से, क्योंकि इसमें एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार पांच छह कुछ भी आ सकता है, लेकिन दूसरे डिब्बे की जब हम बात करेंगे तो दूसरे डिब्बे में जो संख्या पहले डिब्बे में आ चुकी है वो संख्या दूसरे डिब्बे में नहीं आएगी, अर्थात मैं कह सकता हूं दूसरे डिब्बे में केवल पांच तरीके से मैं सजा सकता हूं, जो संख्या अब यहां आ चुकी है इस डिब्बे में नहीं आएगी, अर्थात इस डिब्बे को मैं चार तरीके से सजा सकता हूं, और इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से, तीन तरीके से सजा सकता हूं। तो कुल मिला के आप बताओ कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप बोलोगे 6 5 30, और 30 कितना हो जाएगा, ये 30 4 120, और 120 कितना हो जाएगा 360, अर्थात मैं कह सकता हूँ 360 संख्याएं बन सकती हैं, 6 5 30, 30 ये कितना हो जाएगा 12 12 36, 360, अर्थात कह सकते हो 360 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब
दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कि बताओ जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, इसे मिटाता हूं। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, क्वेश्चन नंबर बी इस वाले का आंसर मैं करने जाता हूं। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, इसका मतलब केवल इतना सा है कि जो अंक पहले डिब्बे में आ चुका है वो अंक दूसरे डिब्बे में आएगा, ये बात कंफर्म है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि जैसे जो संख्या पहले घर में आ चुका है वही संख्या दूसरे घर में भी आ सकता है, इसी को बोला जाता है पुनरावृत्ति हो गई है। जैसे समझो इस डिब्बे को बताओ मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं, तो आप बोलोगे छह तरीके से सजा सकते हैं, बिल्कुल सही। इस डिब्बे को आप बोलो कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो आप पांच नहीं बोलोगे, क्योंकि जो संख्या यहाँ आ चुकी है उसका अलाउ है कि यहाँ भी आ सकती है, तो आप बोलोगे इस डिब्बे को भी हम छह तरीके से सजा सकते हैं, इस डिब्बे को भी छह तरीके से और इस डिब्बे को भी छह तरीके से। कहने का मतलब जो संख्या पहले डिब्बे में आ चुकी है वही संख्या दूसरे में भी आएगी, वो संख्या तीसरे डिब्बे में भी आ सकती है और वो संख्या चौथे डिब्बे में भी आ सकती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है इन सभी का कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो कितनी संख्याएं बन जाएगी, 216 और 6 कितना हो जाएगा, 6×6=36, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 216 में 6 का कर दो गुणा 6×36, 6×6=39 और कितना हो जाएगा 6×2=12, अर्थात मैं कह सकता हूँ 1296 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। तब जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो हमने भी बताया 360 संख्याएं बनाई जा सकती हैं।